नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मिन्नकाराय नमो शिवाय तस्मिन्नकाराय नमो शिवाय तस्मिन्नकाराय नमो शिवाय। राधे राधे, कान्हास क्रिएशन रे आपण मानको स्वागत करूछि। बाबा भोले बाबा को आशीर्वाद रु आपण माने निश्चिंत भावरे भलरे थिबे। मोर किछि व्यक्तिगत कारण मेडिकल कारण रु मु दीर्घ दुई सप्ताह हेलाणी कौन से वीडियो अपलोड करि पार नथिली, सेथिपाई मु दुखित। आज मु आपण मानको बिल्व वृक्ष बा बिल्व वृक्षर उत्पत्ति विषय रे संक्षिप्त धारणा दउछि। भगवान विष्णु एवं भगवान हर हेउछन्ति गोटे आत्मा, किंतु तांकर शरीर अलग। तेणु माँ महालक्ष्मी भगवान विष्णु को जेमती भक्ति करती भल पाती, सेमती भगवान शंकर को मध्य पूजा करती। माँ महालक्ष्मी शंकर बहुत सुंदर पूजा करती। इन माँ को इच्छा है भगवान शंकर को 108 पद्मफूल दे पूजा करने को। माँ पूजा करुछंती, इस समय देखिले ये गोटे पद्मफूल तांकर कमी जाइछि, 107 पद्मफूल होउछि। तेणु माँ महालक्ष्मी भाविले वर्तमान मु कौन करिवि। तेणु तांकर मन पड़ला जे भगवान विष्णु तांकर वक्षज को पद्मफूल सहित तुलना करिथांती। तेणु माँ कौन कले ना तांकर बाम वक्षज को काटी भगवान शिव को अर्पण करदेले। भगवान आशुतोष शंकर आखिरु लुह धरधर खसी पड़ला एवं से माँ का सम्मुखें सांगे सांगे आविर्भाव हो गले। माँ तुम्हें ये कौन कल, तुम्हें निजर अंग काटी मत प्रदान करदेल। माँ मु तुम पूजा रे बहुत संतुष्ट, आज मुझे यही अंगरू गोटे सुंदर वृक्षर उत्पन्न हे एवं से वृक्षर पत्र मोर सबुठ प्रिय हे एवं वृक्षर ना है जो वृक्ष उत्पन्न है से वृक्ष बेल वृक्ष बा बिल्व वृक्ष नाम संसार रे प्रसिद्धि लाभ कला। माँ का अंगरू यही वृक्ष जात हो माँ लक्ष्मी जो बेल वृक्ष रही थाए माँ लक्ष्मी से निवास करेणु भगवान शंकर को प्रतिदिन बेल पत्र अर्पण कर पूजा कले मनीषर मनस्कामना पूर्ण होता है। शास्त्र उल्लेख अच्छी, तेणु आपण मान जाने बेल वृक्षर उत्पत्ति यहीपर होता। तेणु आजपाई मोर ये छोटिया भिडियोटी यही समाप्त करुच्ची। आपण मैने आपण मान मतामत कमेंट सेक्शन में देवे और वीडियो टी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।